मोस्ट मिसप्रनाउंस्ड वर्ड्स, मोस्ट मिसप्रनाउंस्ड वर्ड्स। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड, ये है कंटेंट। इसको नॉर्मली हम कंटेंट बोलते हैं बट इट इज़ नॉट राइट, ये है कॉन्टेंट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉन्टेंट। नेक्स्ट इज फॉरगेट, बट इसमें भी हम गलत बोलते हैं, इसमें हमको आर साइलेंट करना है, इसको हम बोलेंगे फॉरगेट। सही प्रोनाउंसिएशन है फॉरगेट। नाउ नेक्स्ट इज फॉरगिव, ये भी वही पंडा है, इसमें भी हम आर को साइलेंट रखेंगे और इसका सही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे फॉरगिव, फॉरगिव। नेक्स्ट इज हैंडसम, ये हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसमें हम डी को साइलेंट रखेंगे और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा हैंडसम, हैंडसम। नेक्स्ट इज प्लम्बर, मोस्टली लोग इसको प्लम्बर बोलते हैं जो कि गलत है, इट्स सही प्रोनाउंसिएशन है प्लमर, प्लमर। नाउ नेक्स्ट इज आलमंड, इसको भी हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम आलमंड बोलते हैं बट इट इज़ नॉट आलमंड, इट इज़ आमंड। इसमें हम एल साइलेंट रखेंगे और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आमंड। आयरन, ये भी गलत है, इसको हम बोलेंगे आयन, सही प्रोनाउंसिएशन है आयन। नेक्स्ट इज ज्वेलरी, ये भी बहुत गलत बोलते हैं हम, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी बट ज्वेलरी। नेक्स्ट इज वेडनेसडे, ये भी हम बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे नहीं है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे, वेंसडे। नाउ मई, इसको भी हमको इंग्लिश में मई नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं मे, और ये हमारा मोस्ट फेवरेट, इसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम बोलते हैं पिज्ज़ा, या कोई कोई बोलता पिज्जा बट इट इज़ नॉट पिज्ज़ा, इट इज़ पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। नाउ नेक्स्ट इज बाउल, ये भी हम सब गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है बोल, बोल। पावर, ये भी हम गलत बोलते हैं, इसमें हमको पावर नहीं बोलना, इसका हम पार बोलेंगे, पार। ये है वॉर्म, ये भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वॉर्म। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोनाउंसिएशन, इसको भी हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन।